लीची हमारे देश का एक लोकप्रिय फल है और ये जो अप्रैल मई जून जुलाई तक ये लीची की हार्वेस्टिंग होती है बिहार में। और आप जानते हैं कि लीची जो हमारे देश में जो लीची की उत्पादकता है उसमें 2/3 जो है, तो 2/3 लीची बिहार से ही जाती है। और लीची का ये पूरा बेल्ट है, खास करके नॉर्थ बिहार, तो लीची जो है हमारे ये बहुत शॉर्ट सीज़न का क्रॉप है। और इसी बीच लीची की कीमत जो है, जो मार्केट में जो एक बैग लीची आता है तो काफ़ी उसमें उसकी दाम में बहुत कमी हो जाती है और किसान भाई को उतना प्राइस नहीं मिल पाता है। बहुत शॉर्ट सीज़न क्रॉप है ये और 20-25 दिन में ये लीची जो है पीक पर आता है और ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए उसका प्रसंस्करण करना बहुत ज़रूरी है। लीची का जो प्रसंस्करण है, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि इसके क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो लीची को तो एक है कि पहले हम लीची एज सच जूस को प्रिजर्व करके हम लोग रख लेते हैं, भंडारण कर लेते हैं। और भंडारण करने के बाद साल भर जब भी लीची की का स्क्वैश बनाना होता है तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये लीची हार्वेस्ट करके मंगवाया गया है और इसको पहले हम लोग छीलते हैं और छीलने के बाद डीस्टोनिंग करते हैं जैसा आपको हमने बताया, और फिर पल्पिंग करते हैं। तो आइए दिखाते हैं कि पीलिंग कैसे किया जा रहा है। उसका खास करके एक पीलिंग नाइफ होता है, तो पीलिंग नाइफ से कैसे खोल निकाला जा रहा है छिलके को, और फिर डीस्टोनिंग है मैनुअली किया जा रहा है, हालांकि सब ऑटोमेटिक मशीन से भी हो जाता है। तो आपको दिखाने चल रहा है। इसको पहले पानी में डाला जाता है, पानी में डालने के बाद उसको छीला जाता है ना। और उसके बाद जब छील करके इसका जो छिलका जगह छील दिया जाता है, और छीलने के बाद इसको हम लोग साइज़ में छोटा बड़ा भी रहता है। अल्लाह इधर लाइए, ये देखिए हम लोग यहाँ पर ये जो है छीला हुआ लीची यहाँ रख रहे हैं। और रखने के बाद इसको फिर जो है डीस्टोनिंग, ये दिखाइए डीस्टोनिंग कर रहे हैं ये, और ये डीस्टोनिंग करके इसको हटाया जा रहा है। और ये जो पल्प मेरा तैयार हो गया है, अब इस पल्प को, पल्प नहीं है बल्कि छिला हुआ है ये, रॉ है ये लीची, इसको ले जा करके हम लोग फ्रूट मिल में डालते हैं। फ्रूट मिल में डालने के बाद क्या होगा आप देखेंगे, इसका रस जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा और इसका जो रिफ्यूज है ये अलग हो जाएगा। ये हमने लाया वहाँ से उठा के, और उठाने के बाद ये मशीन है, इस मशीन को हम लोग कहते हैं फ्रूट मिल बोलते हैं। ये फ्रूट मिल है, फ्रूट मिल में हम ऊपर से डालेंगे इसको और नीचे से जूस निकलेगा। देखिए इसको डाला जा रहा है, हाँ रुको रुको, अब मशीन देखिए यहाँ से हमको ऑन करना है, मशीन यहाँ से ऑन करेंगे, ये चल पड़ा मशीन, अब जा डालिए इसमें। देखिए वहाँ आपने देखा कि हम लोग कैसे उसको छाने, मशीन से निकालने के बाद उसको छाना गया। छानने के बाद जो प्योर जूस निकला उसको हम यहाँ ले आए हैं पैस्टराइज करने के लिए, और इसको चूल्हा पर चढ़ा दिए हैं बर्नर पर। ये हम लोग जब तक तब तक इसको गर्म करते हैं जब तक कि इससे भाप नहीं निकल जाए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो अबाउट 60-65 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये पहुँच जाता है, बाई दैट टाइम इससे हल्का भाप निकलने लगता है, समझिए कि ये पैस्टराइज हो गया।
ये लीची जूस को हमने पैस्चराइज किया और पैस्चराइज करने के बाद अब इसमें जो हम लोगों को परिरक्षक पदार्थ मिलानी है। तो परिरक्षक पदार्थ देखिए, ये पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड है और पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड हम लोग जो है इसमें मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसको जूस में हम लोग डाल देते हैं। जूस में डालने के बाद इसको अच्छी तरह से चला दिया जाता है। उसको पैस्चराइज करने के बाद ठंडा हुआ हल्का, उसके बाद परिरक्षक मिलाया गया है, पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड जो आपको हमने बताया कि 2 केजी के लिए करीब जो है तो 3 ग्राम, करीब करीब 3 ग्राम हम लोग 2800 मिलीग्राम हमने मिलाया। मिलाने के बाद अब इसको जो है हम लोग इस बॉटल में बॉटलिंग करते हैं। चूंकि इसमें चीनी का घोल नहीं डाला गया है, सिरप नहीं डाला गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो परिरक्षक पदार्थ है उसका डबल क्वांटिटी डालते हैं। 350 डालते हैं हम लोग स्क्वैश में और 750 मिलीग्राम सल्फर डाइऑक्साइड गैस डालते हैं इसमें। चूंकि परिरक्षक जो हम लोगों के पास जो है पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड, इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, तो ऑलमोस्ट हाफ जो है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है उसमें, इसलिए हम लोग इसमें 2800 मिलीग्राम पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड डाल के इसको प्रिजर्व कर दिया है और ये जो है हमारा साल भर आराम से रह जाएगा। अब इस 20 साल भर के बीच में यानी लीची सीजन आने के पहले कभी भी हमको अगर ज़रूरत पड़ रही है कि हमें स्क्वैश बनाना है या मार्केटिंग करना है, कहीं से डिमांड आ गया है, तो उसको फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसका स्क्वैश बनाते हैं। तो स्क्वैश बनाने के लिए पहले हम लोग चीनी का शीरा बनाते हैं। तो शीरा बनाने के लिए हम लोग पानी दे शीरा बनाया, देखिए चीनी इसमें डाला जा रहा है, चलाना है इसको। ये देखिए अब छाना हुआ शीरा तैयार है। इस छाने में धीरे धीरे इसको चलाना है और डालते जाना है। देखिए डाल रहे हैं, और इसके बाद अब इसको हम लोग फिर से रीबॉटलिंग करते हैं पेट बॉटल्स में। अब पेट बॉटल्स में रीबॉटलिंग करने के बाद उसको लेबलिंग कर देते हैं और फिर ये मार्केटिंग के लिए चला जाता है। बिफोर मार्केटिंग इसको हम लोग क्या करते हैं कि स्टोरेज कर लेते हैं ठंडे जगह में और बिल्कुल जहाँ पर कि धूप वगैरह नहीं जाता हो, ताकि उसका कोई ऐसा कुछ नहीं हो जाए, फर्मेंटेशन नहीं हो जाए, और इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से रख सकते हैं। अबाउट ये बनने के बाद करीब 6 महीना तक हम इसको रख सकते हैं और फर्दर प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है। चाहे ये फ्रेश हम बना करके उसको हमने जूस प्रिजर्व किया हो या डायरेक्ट हम बना रहे अगर हैं, तो उसमें हम लोगों को जो है तो 600 मिलीग्राम पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड प्रति लीटर के हिसाब से स्वच्छ पानी में घोल करके, यानी पानी को उबाल के ठंडा करके, इसलिए कि जो उसमें भी अगर जीवाणु हैं पानी में वो मर जाएंगे, और फिर उसमें हम लोग ठंडा होने के बाद पानी में पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड मिलाते हैं और मिलाने के बाद फिर इस जूस में हम लोग ये सिरप में हम लोग मिला देते हैं। सिरप विद जूस जो मिक्सचर है उसमें मिला देते हैं और मिलाने के बाद इसको पैकिंग कर देते हैं। देखिए ये पैकिंग करवा जाए, पैकिंग करने के बाद ये देखिए लेबल लगाया गया है इसमें और लेबल से एकदम रेडी है और ये अब जो है ये मार्केटिंग के लिए तैयार है, ये हम भेज सकते हैं। बाय दैट टाइम इसमें फिर सील किया जाता है, मुहर लगाया जाता है कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, ये सब करते हैं हम लोग। ये देखिए लेबल में है, पूरा लिखा हुआ है ना, और ये जो है तो लीची स्क्वैश का लेबल है, अपने यूनिवर्सिटी का है और ये बाऊ का प्रोडक्ट है, BAU का प्रोडक्ट है, और इसको हम लोग रेडी कर दिया है और ये जो है तो अब मार्केटिंग के लिए तैयार है। इसको बाय दैट टाइम, जब तक कि मार्केटिंग में नहीं होता है, इसको हम लोग ठंडी जगह में, साफ़ जगह में, सूखी जगह में इसको हम लोग भंडारण कर लेंगे।